आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में जानवरों की चर्बी पाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ किया गया खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये शर्मनाक कृत्य किया है उसे फांसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और यहाँ से प्रसाद लेने वाले लोगों को जानवरों की चर्बी का प्रसाद खिला दिया गया, ये गलत है और इस मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के इस बयान को। अभी अभी हमको जानकारी लगी है, दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी के घी का लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था, प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है, निश्चित रूप से भारत के सनातनियों के खिलाफ ये सुनियोजित तरीके से किया गया षड्यंत्र है और इस प्रकार का कृत्य करके भारत के सनातनियों को धर्म भ्रष्ट करने के सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का पूर्ण रूप से तैयारी की गई है। हम तो चाहेंगे कि वहां की सरकार सख्त से सख्त कानून बनाकर उन दोषियों को फांसी की सजा देवे। अगर भगवान के प्रसाद में चर्बी का प्रयोग किया गया या मछली के तेल का प्रयोग किया गया, इससे बड़ा वर्तमान में भारत में कोई दूसरा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसकी बारीकी से जांच हो। हम तो सरकार से भी कहेंगे शीघ्र अति शीघ्र अब सरकार को हिंदुओं के मंदिर हिंदू बोर्ड के अधीन कर देना चाहिए ताकि किसी भी सनातनी की आस्था को ठेस ना पहुंचे। हमें सुनकर के बहुत मन हमारा दुखी हो रहा है और हम चाहेंगे यत्र तत्र जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर बारीकी से सभी सनातनी जांच करें, करवावे, दोबारा इस प्रकार की यह घटना पुनः ना हो, इसके लिए सभी हिंदू एकजुट होकर के तैयार रहे। और मंदिरों को अब जो है सनातनियों के मंदिरों के ही अधीन कर देना चाहिए, वरना ऐसी स्थितियां निर्मित होती ही रहेंगी।